इसीलिए तो स्वामी जी हम हर बार आपसे पूछते हैं कि वो नुस्खे भी आप बताइए। अब जैसे मैं किचन में काम करती हूँ, ज्योत्सना भी किचन में काम करती है, तो काम करते करते कई बार वक्त नहीं होता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फटाफट हम किचन में ही बनाएं, काम करते करते पी लें, बिल्कुल क्विक एनर्जी हमें दे और डेफिशिएंसी को भी दूर करें। वो ऐसे कुछ रेसिपीज आप बताएं, कुछ हेल्थ ड्रिंक्स बताएं जो जल्दी से तैयार हो जाएं। ये दशमूल का क्वाथ, ये दशमूल का क्वाथ, थोड़ा सा इसमें अजवाइन थोड़ा गुड़ और डाल दो, वात का है तो थोड़ा अजवाइन मेथी भी डाल दो, इसमें गुड़ अजवाइन मेथी डाल करके और ये दशमूल का क्वाथ दोनों टाइम पी ले, माताओं बहनों को यूट्रस की ओवरी की पीरियड की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। यदि वाइट डिस्चार्ज है तो फिर आपको इसमें गुड़ मेथी अजवाइन डालने की जरूरत नहीं। यदि पीरियड कम आते हैं और कई प्रकार की दिक्कतें हैं पीरियड में, पेनफुल पीरियड आते हैं, तो ऐसा कर लेना। फिर देखो, अब ये तो सुबह शाम काढ़े बना के पी लिया, चाय नहीं पीने की जरूरत, इसको पियो। फिर ऐसे जिनको बहुत अधिक वाइट डिस्चार्ज होता है, ऐसे पेट पे ठंडे पानी की पट्टी बांध करके अपने रसोई का सब काम कर लिया करें, सारा खाना भी बन जाएगा, ब्रेकफास्ट बन जाएगा, लंच डिनर हो जाए, तब ऐसे ये बांध लिया करें। और उसी समय जब थोड़ा फुर्सत मिले तो बीच बीच में कढ़ाई में भी कड़छी घुमाते रहें और अपना दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, कपाल भाती भी चल रहा है और जो है खिचड़ी भी पका ली है और ये मल्टीग्रेन खिचड़ी खाया करें तो अच्छा लौकी का जूस भी बड़ा फायदा करता है। आप लगातार हमारे दर्शकों को लौकी के जूस के फायदे भी बताते आए हैं, एक बार फिर से बताइए कितना कारगर है महिलाओं के लिए खासकर। लौकी का जूस जिनको मोटापा है, लौकी का जूस जिनको इनफर्टिलिटी है, लो हीमोग्लोबिन है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है और खून की कमी है और उसके साथ साथ में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ शरीर के अंदर, उससे भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, गर्भ नहीं ठहर पाता, गर्भपात हो जाता है, प्रीमिच्योर जो है डिलीवरी बहुत दिक्कत वाले काम है, तो लौकी का जूस। और कई बार प्रेग्नेंट लेडीज को भी ब्लीडिंग होने लगती है, तो मैंने अभी एक बेटी दीपिका, उसी को दो तीन बार ऐसी ब्लीडिंग हुई, मेरे को फोन है, मैंने कहा बेटा शीशम के पत्ते पियो और कहरवा पिष्टी, मोती पिष्टी और नागकेसर, इसको नागकेसर 100 ग्राम, कहरवा पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये सब मिला करके 2-2 ग्राम पानी से पिला दो। प्रेग्नेंट लेडीज को जिनको ब्लीडिंग होती है वो भी दूर हो जाती है, ऐसे जबरदस्त उपाय हैं। और जिनको बहुत ही गर्मी रहती है शरीर में, उनको ये अमृत रसायन लेना चाहिए। अब तो वैसे प्रकरण बहुत लंबा है जिनको बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। अब देखो लेडीज को कितनी कितनी समस्याएं होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को बुखार हो जाता है तो गिलोय ले, ठंडा पिए, लेकिन सूजन हो जाती है, वाटर टेंशन हो जाता है तो पुनर्नवा या सर्वकल इसका काढ़ा पिए। काढ़ा कभी भी गर्म नहीं होता है, इसको उबाल करके ठंडा पिएंगे तो ठंडा रहेगा, गर्म गर्म पिएंगे तो गर्म रह गया। तो जिनको प्रेग्नेंट लेडीज को सूजन आ जाती तो सर्वकल क्वाथ पिए या गोखरू का या और पुनर्नवा का काढ़ा पी लें ठंडा करके। फिर जिनको बुखार हो जाता है तो गिलोय का काढ़ा पी लें प्रेग्नेंट लेडीज। जिनको बीपी हो जाता है तो मुक्तावटी लें, लौकी का जूस पिए, बीपी की दवा ना खाएं। जिनको बुखार हो जाता है तो बुखार की दवा ना लें, गिलोय लें। जिनको टाइफाइड हो जाता तो वो जो मैं बार बार बताता हूँ, खूब कला मुनक्का अंजीर, इसका काढ़ा बना करके पिए ठंडा करके। प्रेग्नेंट लेडीज को दवाई की जरूरत नहीं, सिर दर्द की, बुखार की, उल्टी दस्त हो जाता है तो दिव्य धारा डाल करके पी लें।